हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। शुरुआत क्यू एन ए सेशन की। सबसे पहले क्वेश्चन ये है आशुतोष शुक्ला जी का। इनका कहना है कि भाई 151 मिर्च लगाते समय प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए और इसको बांस लगा के रस्सी में सपोर्ट देना पड़ता है क्या? आशुतोष जी, 151 जो वेराइटी है उसको ना पूरे छतरी उसके जो पौधे होते हैं तो मतलब उसको अच्छा डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। मेरा वाला जो खेत में 5 फीट का प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखा है और जी हाँ, रस्सी का अगर आप सपोर्ट देते हैं तो भी बनता है, नहीं तो आप अगर उसमें मिट्टी भी चढ़ाना चाहते हैं तो मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें पॉलीथीन लगाते हैं तो बिल्कुल आपको उसको रस्सी का सहारा देना पड़ता है वरना वो पौधे गिर जाता है। दूसरा सवाल है राजेंद्र परमार जी का। इनका ना कहना है कि गोविंद सर, मिर्च में मकड़ी का कोई अच्छा उपाय बताइए। देखिए राजेंद्र जी, अभी तो फिलहाल माइट्स का सीजन चल रहा है, मिर्च में अभी बहुत ज़्यादा माइट्स का अटैक हो रहा है, तो माइट्स के लाइफ साइकिल को कंट्रोल करने पर ही हम लोग माइट्स को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। तो उसके लाइफ साइकिल को तोड़ने के लिए आप यूज़ करिए बायर का ओबेरॉन जो आती है, ओबेरॉन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ओ माइट्स जो आती है धानुका का, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और भी 3-4 दवाई है जो मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, इसमें से कोई एक का भी आप सेलेक्ट करके माइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इतना आपने ध्यान रखिए कि कोई भी दवा को बार बार रिपीट न करें। नेक्स्ट सवाल है शंकर नंदा जी का। इनका कहना है कि पटेल जी, अगस्त में कौन कौन से वेजिटेबल लगा सकते हैं? देखिए शंकर जी, अभी अगस्त में आप चाहें गाजर लगा सकते हैं, गाजर का, मूली का, धनिया पत्ती का, ऐसे बहुत से वेजिटेबल है, गोभी का भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं। ऐसे बहुत से सब्जी है जो अगस्त के बाद, जो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अभी तो फिलहाल सब्जियों का, इसको हम लोग सब्जियों का महीना भी बोल सकते हैं, तो अभी बहुत से ऐसे वेजिटेबल होते हैं जो आप अभी लगा सकते हैं। कृष्ण पटेल जी का नेक्स्ट सवाल है। इनका कहना है कि थ्रिप्स, एफिड, वाइट फ्लाई आदि के वजह से फसल में जो नुकसान होता है उसका सुधार कैसे किया जाए? कृष्ण पटेल जी, ऐसे बहुत से इंसेक्टिसाइड बायो में भी अच्छे अच्छे पेस्टिसाइड आ चुके हैं अभी मार्केट में, तो आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ही दवा का बार बार रिपीट ना करें। एक बार आप बायो का चला लें, उसके एक बार आप केमिकल चला लें, तो इसी तरह से आप दवा को बदल के करेंगे ना तो सस्ते दवा भी अच्छे से काम करता है। तो इसीलिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी दवा रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखिए। नेक्स्ट सवाल मयंक देसाई जी का। इनका ना कहना है कि गोविंद जी, खेती में मित्र वनस्पति और मित्र पक्षी का क्या फायदा है और कौन कौन से मित्र वनस्पति और मित्र पक्षी है? मित्र वनस्पति की मैं बात करूँ तो वो है गेंदा। गेंदा को अगर हम लोग लगाते हैं तो जो हमारे मिट्टी में जो नेमोटेड वगैरह का जो दिक्कत आता है तो उसको कंट्रोल, गेंदा के जो जड़ होती है, गेंदा के जड़ में एक ऐसे रस निकलता है जो कि नेमोटेड को कंट्रोल करता है, नेमोटेड को बढ़ने से रोक, तुलसी हो गया, ऐसे बहुत से वनस्पति हैं जिसको हम लोग लगा के यूज़ कर सकते हैं। रही बात पक्षी, अगर बात करूँ तो बहुत से पक्षी हैं जो कीड़े को खाते हैं, तो जिससे कि हमारे फल को छेदने वाले कीड़े हो गए, सुंडी वगैरह हुआ, उसको खा लेते हैं, लेकिन जो तोता होती है, तोता अच्छा से फसल को नुकसान कर देता है। और कुछ कुछ पक्षियाँ ऐसे हैं जो अनार के जो फसल है उसको भी फोड़ देते हैं, आली लगाना पड़ता है। और रही बात तोता की, अगर बात करूँ तो तोता एक ऐसा है जो गेहूं की बाली, धान के बाली, सरसों की बाली, ये सब जितने ज्वार वगैरह है उसको काट काट के ले जाता है, तो ये थोड़ा नुकसान करता है, लेकिन बाकी जो पक्षी हैं वो अच्छे हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल। सेकंड सवाल है अरविंद जी का। इनका कहना है कि सर, गन्ने के खेत में सफ़ेद गिटार बहुत हैं, कुछ तरीका बताइए। अरविंद जी देखिए, सफ़ेद गिटार हर साल होते हैं, आपको भी पता है, आप उसका इलाज भी करते हैं, आपको भी पता है, लेकिन सफ़ेद गिटार को परफेक्ट इलाज करने के लिए जैविक में है वो है मेटेरिजम एनिसोपली या फिर बवेरिया बिसियाना। उसका यूज़ हमको कम करना है, उसका यूज़ हमको मिट्टी प्रिपरेशन के समय, खेत की प्रिपरेशन के समय उसका यूज़ करना रहता है। उसको आप खेत में मिला दीजिए, उसके बाद आप बिजाई कर दीजिए, सफ़ेद गिटार को धीरे धीरे मारते रहेगा, आपका ना पौधे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, और बाद में जब फसल बढ़ जाती है और काटना शुरू करता है तो हम लोग उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ भी करते हैं तो इतना कारगर नहीं हो पाता। क्या होता है कि उस समय हमको मिट्टी में प्रॉपर वे पे मिलाने का जगह नहीं मिलता, जैसे हम लोग सोयाबीन लगा दिए तो उसमें कैसे मिलाएं, स्प्रे भी करते हैं तो फिर पौधे वगैरह को, तो एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है सफ़ेद गिटार को रोकने के लिए, ये जो मेटेरिजम एनिसोपली है, खेत तैयारी करते समय ही आप उसको डाल दीजिए, गोबर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको आप डाल दीजिए, सफ़ेद गिटार बहुत हद तक पूरी तरह से उसमें कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सर, आपके हिसाब से इस सोलर ट्रैक्टर की कीमत क्या होगी? सोलर वाले जो ट्रैक्टर का जो हमने जो वीडियो डाला था उसमें आया था कमेंट। देखिए सर, ये जो ट्रैक्टर को मैंने देखा है उसमें जो सोलर पैनल लगा है, ये सबको देखते हुए 2.5 से 3 लाख रुपए इसकी प्राइस होनी चाहिए, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट मंथ इसके पूरे डिटेल पता चल जाएंगे, तो जैसे ही इसका रेट आता है तो मैं बिल्कुल आपको नोटिफाई करूँगा। नेक्स्ट सवाल है होरीलाल जी का। इनका ना कहना कि सर, फसल में पोटाश स्प्रे कर सकते हैं क्या और कितनी मात्रा?
होरीलाल जी, ये तो कितनी मात्रा आपकी तो जमीन को टेस्ट कराने के बाद ही पता चलेगी। और बिल्कुल सारे के सारे फसल में पोटाश की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कंद वाली फसल हो या फिर जो अपना अनाज वाली फसल हो, तिलहन वाली फसल हो, दलहन वाली फसल हो, हर एक में पोटाश की जरूरत पड़ती है। और पोटाश का स्प्रे अगर आप करते हैं जो 0050 या फिर और बहुत से जो फॉर्म में आता है उसका भी स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। लेकिन ये जो MOP जो आती है ना, जो 50-50 किलो की बोरी में, उसका आप स्प्रे ना करें पौधे पे, उसको मिट्टी में डालना रहता है। सवाल पिंटू जी का, वेस्ट डिकम्पोजर उपयोग करता हूँ फल्ली में और माइक्रो न्यूट्रिशन का भी उपयोग करता हूँ, तो क्या इसमें सारे विटामिन मिल जाएंगे? बिल्कुल पिंटू जी, अगर वेस्ट डिकम्पोजर में आप माइक्रो न्यूट्रिशन बनाए हैं, जैसे उसमें तेल वाली जो अपना अनाज है उसका डाले हैं, दलहन वाले डाले हैं, ये सबको अगर आपने डाल के जो माइक्रो न्यूट्रिशन बनाया है जो कि डॉक्टर चंद्रा जी ने बताया था, तो बिल्कुल उसमें सारे के सारे न्यूट्रिशंस अवेलेबल हैं। आपको मार्केट से अलग कोई भी चीज़ डालने की जरूरत नहीं है, वही वाला न्यूट्रिशन को आप कंटिन्यू रखिए। सेकंड सवाल है संदीप सोलंकी जी का, इनका कहना है कि सोयाबीन में अभी फूल चल रहा है और वाइट ग्रब का नुकसान अधिक हो रहा है, तो हम इसमें मेटर्जियम एनिसोपली का उपयोग कर सकते हैं, इससे सोयाबीन को कोई नुकसान तो नहीं होगा? संदीप सोलंकी जी, बिल्कुल इससे इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इससे सोयाबीन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि आप उसका उपयोग करेंगे कैसे। सेकंड थिंग, जब अभी ना यार क्या होगा कि सोयाबीन पूरी तरह से छा गई है खेत में, पूरी तरह से खेत में फैल गया है, तो आप उसका स्प्रे करते हैं, देखिए मेटर्जियम एनिसोपली स्प्रे करके आप मिट्टी में दे सकते हैं, लेकिन आप मिट्टी मिट्टी में स्प्रे करेंगे तो उसका काम रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको खेत तैयारी के समय डालें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और रही बात, ये सोयाबीन की फसल को कोई नुकसान नहीं करता, अभी भी आप स्प्रे करते हैं तो जितने भाग में मिट्टी में पड़ेगा तो वहाँ का सफ़ेद गिटार को बिल्कुल वो नुकसान करेगा। नेक्स्ट सवाल है परेश परमार जी का, इनका कहना है कि मेरी फल्ली की फसल 50 दिन की है, इसमें प्लानोफिक्स प्लस विपुल को एक साथ स्प्रे कर सकता हूँ क्या? देखिए परेश जी, प्लानोफिक्स तथा विपुल दोनों हार्मोन्स होते हैं और कोई भी दो हार्मोन्स को मिलाना अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैंने खुद पिछले सीजन में प्लानोफिक्स और विपुल का यूज़ किया था, रिजल्ट तो अच्छा मिला। क्या होता है कि प्लानोफिक्स का अगर हम लोग स्प्रे करते हैं ना, जैसे कि मिर्च में आप करते हैं स्प्रे, तो जैसे ही स्प्रे करके सकते हैं तो एक या डेढ़ घंटे बाद आपकी मिर्च थोड़ा सा मुरझाया टाइप से होगा, इससे आप समझ जाएंगे कि आपकी जो प्लानोफिक्स है काम कर रहा है। तो बिल्कुल विपुल और प्लानोफिक्स को साथ में स्प्रे कर सकते हैं, कोशिश करें कि आप उसको सिंगल सिंगल स्प्रे करें, नहीं होता तो आप उसको डबल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है विजय ठाकुर जी का, इनका कहना है कि सर ह्यूमिक एसिड को टमाटर की जड़ों में उपयोग कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कब करना चाहिए? देखिए विजय जी, ह्यूमिक एसिड का यूज़ बिल्कुल जड़ को बढ़ाने के लिए होता है, इसको आप बिल्कुल टमाटर में भी स्प्रे कर सकते हैं, उसका ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, ड्रिप में भी चला सकते हैं, लेकिन उसको रोपाई के 8-10 दिन बाद आप उसका स्प्रे कर दीजिए, ड्रेंचिंग कर दीजिए, ड्रिप में चला दीजिए, क्योंकि उसी समय पौधे को इसकी ज़रूरत पड़ती है जब उसके जड़ स्टेब्लिश होने की अवस्था में होती है, तो रोपाई के 8-10 दिन आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। सेकंड सवाल है जलंधर डोरे जी का, इनका कहना है कि मेरा सवाल है कि बैंगन के फल में जो इल्ली आती है उसको कैसे रोकेंगे, आप इसका उपाय बताइए। जलंधर जी देखिए, बैंगन में तो भाई फल जो छेदक की कीट होती है ना, ये तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है पूरे के पूरे भारत में। एक्चुअल में उसको कंट्रोल ना करने का एक तो रीज़न रहता है कि वो सीधा जैसे ही अंडे से निकलता है उसके बाद वो फल के अंदर घुस जाता है, उसके बाद अब कोई भी दवा का स्प्रे करें तो उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग कोराजन का यूज़ करते हैं, थोड़ा कोराजन हार्मफुल है, लेकिन भाई करते हैं तो उसमें कुछ हद तक कंट्रोल होती है, लेकिन आप अगर उसमें ना जैविक तरीके से का भी यूज़ करते हैं बीच में, तो मेटर्जियम एनिसोपली के जैसे इस्तेमाल करते हैं तो मेटर्जियम एनिसोप बैंगन के जो फल को छेदने वाला कीट है ना, तो उसमें भी वो कंट्रोल करता है। लेकिन उसके लिए क्या करना है कि देखिए, बैंगन के अंदर अगर घुस जाएगा तो कोई भी मित्र फंगस या केमिकल वो काम नहीं करता है, तो इसीलिए आप उसको हर 7वें दिन 8वें दिन स्प्रे करते रहे मेटर्जियम एनिसोपली का, तो उससे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड एक आती है फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप एक ऐसी है जो रात में भी काम करता है, दिन में भी काम करता है, तो हमको कब कीट आया कब गया उसको हमको टेंशन नहीं होती। फेरोमोन ट्रैप भी आप अगर पर एकड़ 8-10 लगा देते हैं तो उससे भी कुछ हद तक आप बैंगन के जो फल को छेदने वाले कीट है उससे आप कंट्रोल पा सकते हैं। इसके लिए एक तो लियोर आती है, ये वाला अब आपको मार्केट में मिल जाएगा, अगर ना मार्केट में नहीं भी मिलता तो अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट सवाल है आजाद सिंह जी का, इनका कहना है कि कपास में कैल्शियम के लिए बुझा हुआ चूना छिड़काव कर सकते हैं क्या, कितना डालें 15 लीटर में? आजाद जी बिल्कुल, अब बुझा हुआ चूना का यूज़ कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन सा तरीका बताता हूँ, आपको लेना है 1 किलो बुझा हुआ चूना और आपको लेना है 10 लीटर पानी, तो 1 किलो को लीटर पानी में आप उसको रात भर डुबो के रख दीजिए
और उसमें से एक लीटर को आप 15 लीटर पानी में यूज, जिससे कि आपके जो खेत में कैल्शियम की कमी है वो भी पूरा हो जाए। मात्रा कम या ज्यादा हो जाए तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि बुझा हुआ चूना एक नेचुरल होता है, लेकिन फिर भी एक लीटर से ज्यादा आप उसमें न दें। नेक्स्ट सवाल है नरेंद्र कुमार जी का, इनका पूछना है कि सोयाबीन में फ्लावरिंग स्टेज में एवं इसके बाद वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे कर सकते हैं क्या? नरेंद्र जी बिल्कुल, आप वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग आप फ्लावरिंग टाइम करें, फल आने के टाइम करें, उसके बाद भी कर सकते हैं। तो ये आप उसको किसी भी स्टेज में कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इस सवाल पीपीपी एंटरटेनमेंट का, इनका कहना है कि चार में से कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट है प्रोडक्शन तथा रोग प्रतिरोधक शक्ति में? इनका पूछना है जो मिर्च का जो मैंने चार वैरायटी बताया था उससे ना संबंधित इनका सवाल है। देखिए जो चारों में से सबसे ज़्यादा अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूँ तो वीएनआर का 305 है। वजन की मैं अगर बात करूं तो उसमें अच्छा वजन आता है, फल भी अच्छा आता है, उसकी फल थोड़ा सा मोटा होता है। इसके बाद अगर आप लेना चाहते हो तो वीएनआर का कृष्णा है जो कि अच्छा फल आता है। 51 वैरायटी भी फल अच्छे आते हैं, लेकिन उसकी फल पतला होने के चलते वजन ज़्यादा नहीं आता है। और रही बात इसकी मैं बात करूँ तो रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करूँ तो आप ये चारों वैरायटी वायरस टॉलरेंट नहीं है, मतलब इसमें वायरस का अटैक होता है। सेकंड सवाल है नैसिन जी का, इनका कहना है कि गोविंद जी जैसे आपने फंगीसाइड का वीडियो बनाया है वैसे इंसेक्टीसाइड पर ही वीडियो बनाया। बिल्कुल नैसिन जी, इंसेक्टिसाइड का भी दो टाइप से होता है, एक नॉर्मल इंसेक्टिसाइड होता है, दूसरा सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होता है। दोनों के डिफरेंट डिफरेंट टाइप से काम रहते हैं, उसका भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले अमन ढाका जी का, इनका कहना है कि बोरान का फसल में क्या क्या उपयोग है, क्या धान की फसल में प्रयोग कर सकते हैं और कौन कौन से फसल में डाल सकते हैं, अमेजोन पर उपलब्ध है क्या? अमन जी बोरान का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, खासकर जब फ्लावरिंग स्टेज आती है तो उसके परागण क्रिया में बोरान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। धान में भी बोरान का रोल, मतलब जितने भी हमारे क्रॉप हैं सब में बोरान का रोल रहता है। खासकर मैं अगर मैं बात करूं जिसमें फल फूल बनते हैं उसमें तो और ज़्यादा बोरान का काम रहता है, तो अगर बोरान का यूज़ आप बिल्कुल कर सकते हैं। अमेजोन पर भी उपलब्ध है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को देख लीजिए। लास्ट सवाल है आरिफ सैफ जी का, इनका कहना है कि पटेल बाबू देसी टमाटर जो था खट्टा मीठा होता था, क्या उसका बीज मिलेगा, बीज दुकान में मिल सकता है? देसी टमाटर या फिर देसी बीज तो आजकल बहुत लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन एक उपाय है जिससे आप देसी बीज प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बिना बीज। बीज के दुकान में जाओगे तो आपको देसी बीज मिलना मुश्किल है, आजकल तो हाइब्रिड का क्रेज चल रहा है। तो अगर आप देसी बीज बनाना चाहते हैं तो मार्केट में जो भी टमाटर आती है चाहे आप उसका बीज खरीद सकते हैं, या फिर नॉर्मली जो हम लोग टमाटर पके हुए वाला जो घर में खाते हैं उसका आप बीज को कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद उसको आप रोपिए, उसमें से जो फल निकलेंगे उसके भी बीज को कलेक्ट करके आप फिर एक बार रोपिए, तो उसके बाद आपको प्योर देसी बीज आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब हाइब्रिड बीज को हम 2 से 3 बार यूज़ करते हैं तो उसके बाद हमको प्योर देसी बीज मिल जाता है, तो आपको तीसरे साल बिल्कुल आपको प्योर देसी बीज मिलेगा जिसमें फिर से वही खट्टा मीठा का स्वाद जो टमाटर का पहले आता था वो बड़ा मज़ेदार स्वाद था वो भी आपको मिल जाएगा। ये थे यार Q&A जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और भी ना बहुत से ज़्यादा सवाल आते हैं जिसको मैं लूँ तो वीडियो 1 से 1.5 घंटे के बन जाएगा। तो उन लोगों का जिनका वीडियो छूटा है उनके लिए सॉरी, और उनको मैं पर्सनली कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। और Q&A से संबंधित कुछ भी आपके सवाल था सुझाव तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करके जाइएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में बेल वाले घंटे को प्रेस करें जिससे कि जब भी नया वाला वीडियो डाले तथा जब भी आप कोई कमेंट करें तो मैं उसका रिप्लाई करूँ तो फिर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर यार वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।